नमस्कार दोस्तों, नौकरी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, हरियाणा में हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। तो उसी के परेशान आकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कल शाम को कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी। उसी में एक अहम फैसला लिया गया था कि कंडक्टर व ड्राइवर की नई भर्ती बहुत जल्द कराई जाए। तो उसी के रिगार्डिंग हरियाणा रोडवेज ने आवेदन मांग ली है। ठीक है, इसके लिए योग्यता जो रखी गई है वो 10वीं पास रखी गई है और अंतिम तिथि 25 अक्टूबर रखी गई है। मैं आपको बताऊँगा कि आपको फॉर्म कहाँ से मिलेगा, आपको फॉर्म फिलअप करके कहाँ जमा कराना है, क्या उसके लिए योग्यता है, आप क्वालिफाई हैं या नहीं, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ ऑफिशियल न्यूज़ की तरफ। तो दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं, ये रोजगार सूचना रोजगार समाचार पत्र में दी गई है। तो आप देख पा रहे हैं हरियाणा रोडवेज हेतु परिचालकों की नियुक्ति। हरियाणा रोडवेज के कुछ कर्मचारियों की गैर कानूनी हड़ताल से उत्पन्न आपात स्थिति के मद्देनज़र विभाग को 3 माह की अवधि हेतु अथवा नियमित परिचालकों के ज्वाइन करने हेतु तक जो है ये 905 परिचालकों की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसमें आप जानते हैं पद का नाम परिचालक, इसके लिए 900 समथिंग कुछ पद रखे गए हैं। इसके लिए योग्यता जो है हिंदी अथवा संस्कृत सहित मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए, आपके पास 10वीं पास होना चाहिए। परिचालक लाइसेंस धारक होना चाहिए। ठीक है, जो मासिक जो परिश्रम है इसके लिए 19,900 रखा गया है। ठीक है, अब आप देखते हैं इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है। आवेदक की आयु 21 वर्ष से 42 वर्ष तक होनी चाहिए, जो अंतिम तिथि के अनुसार मानी जाएगी। अंतिम तिथि 25 अक्टूबर रखी गई है इसके लिए। ठीक है, केवल 10 वर्ष अथवा अधिक का परिचालक का लाइसेंस रखने वाले आवेदक परिचालकों के पद हेतु आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। पद हेतु 10 वर्ष के अनुभव की अवधि अंतिम तिथि के अनुसार मानी जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि 10 वर्ष से पुराना जिनके पास परिचालक लाइसेंस होगा वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। इनकी नियुक्ति 3 माह की अवधि हेतु अथवा नियमित कर्मचारियों की सेवाएँ ज्वाइन करने तक जो भी पहले हो इस आधार पर कराई जाएगी, या तो 3 महीने तक, या फिर जो नियमित कर्मचारी हैं वो ज्वाइन नहीं करते हैं तब तक कराई जाएगी। ठीक है, तो नियुक्ति बिना कोई कारण बताए अथवा पूर्ण सूचना दिए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। इसके पीछे दिया गया है कि आपको अगर इससे पहले जो नियमित कर्मचारी हैं ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको पहले भी निष्कासित कर दिया जाएगा। ठीक है, नियुक्ति विभाग तथा नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की ओर से महाप्रबंधक द्वारा हस्तांतरित लिखित एग्रीमेंट के माध्यम से होगी। जो नियुक्ति आपकी ज्वाइनिंग जो महाप्रबंधक होंगे जिस भी उसके, तो उनके सामने एग्रीमेंट पर साइन कराकर की जाएगी। नियुक्ति 3 माह के बाद नहीं बढ़ाई जाएगी, यद्यपि नियुक्ति की अवधि हालात रिक्तियों के तहत बढ़ाई जा सकती है। मतलब ये मान के चलिए 3 माह के बाद नहीं बढ़ाई जाएगी। अगर कुछ और बड़ी दिक्कत आ जाती है कि जो नियमित कर्मचारी हैं हरियाणा रोडवेज के वो अपना कार्य नहीं संभालते हैं तो रिक्तियों के तहत बढ़ाई जा सकती है ये अवधि। ठीक है, आवेदकों को आवेदन प्रपत्र के साथ उपलब्ध करवाए गए विवरण के अनुरूप आवश्यक दस्तावेजों को स्वयं सत्यापित छाया प्रति संलग्न करनी अपेक्षित है। तो आपको सेल्फ अटेस्टेड जो आपके डॉक्यूमेंट हैं वो उनके साथ जमा कराने हैं। अब देखिए, मूल प्रमाण पत्र आवेदन प्रमाण पत्र के साथ संलग्न नहीं किए जाने चाहिए, सभी दस्तावेज स्वयं सत्यापित होने चाहिए। कहने का मतलब ये है जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं आपके, मतलब आप द्वारा खुद साइन किए हों। ठीक है, अच्छा, उम्मीदवार को महाप्रबंधक हरियाणा रोडवेज के कार्यालय में एक पद हेतु केवल एक आवेदन जमा करवाना चाहिए। आप सिर्फ एक आवेदन डाल सकते हैं, दो अथवा अधिक डिपो में आवेदन करने वाले आवेदक को पर विचार नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप अगर दो डिपो में अपना जो है डालते हैं कुछ भी उम्मीदवारिता दिखाते हैं तो आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, और उसका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। इस विज्ञापन के तहत नियुक्ति परिचालकों को विभाग में उनकी सेवाओं के नियमितीकरण का दावा करने हेतु कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप मान लो नियुक्त कर लिए जाते हैं, आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, तो आप वहाँ पर परमानेंट नहीं हो सकते। ठीक है, ये इसका आपके पास कोई भी कानूनी अधिकार नहीं होगा। आवेदक लिफाफे पर पद का नाम स्पष्ट रूप से लिखे, इसे निम्नलिखित पते पर अर्थात महाप्रबंधक हरियाणा रोडवेज को पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजेगा। तो जो महाप्रबंधक हैं हरियाणा रोडवेज के, उनके पास जैसे आपने डाक के माध्यम से भेजना है, आप जो फॉर्म है कहाँ से करेंगे, तो आप देखिए जो महाप्रबंधक के कार्यालय से आवेदन ले सकते हैं, या फिर HARTRANS.gov.in/// पर उपलब्ध है ये। ठीक है, इस वेबसाइट से आप जाकर आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। अंतिम तिथि आप देख पा रहे हैं 25/10/2018 को शाम को 5 बजे तक आप इसे
फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, आगे जो रोजगार सूचना दी गई है, आप देख पा रहे हैं कि हरियाणा रोडवेज में हेतु भारी वाहन चालकों की नियुक्ति, ठीक है, इसमें भी सिर्फ वही है, 3 माह की अवधि हेतु नियुक्तियां की जाएंगी, 504 चालकों की आवश्यकता है, हिंदी अथवा संस्कृत सहित मैट्रिकुलेशन, आप कलर ब्लाइंडनेस नहीं होने चाहिए, भारी वाहन चालक लाइसेंस धारक और भारी वाहन चालन का 3 वर्ष का अनुभव ही होना चाहिए, इसके लिए आपको 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आपके लिए जो सैलरी रखी गई है वो 25,500 रखी गई है, इसमें वो ही है, आयु 21 से 42 वर्ष रखी गई है, ठीक है, अंतिम तिथि के अनुसार मानी जाएगी, केवल 10 वर्ष अथवा उससे ऊपर का भारी वाहन का अनुभव रखने वाले आवेदक ही इसके लिए जो है क्वालिफाई है। तो कहने का मतलब ये है आपके पास इसमें भी 10 वर्ष का जो है अनुभव होना चाहिए। इसमें सारी बातें वही बताई गई हैं कि आपको कहाँ से क्या कुछ लेना है, आपके पास मूल प्रमाण पत्र जो है वो स्वयं सत्यापित होने चाहिए, और आप आवेदन कहाँ से कर सकते हैं, hrtrans.gov.in/ पर उपलब्ध है ये, या फिर महाप्रबंधक के कार्यालय से आप इस फॉर्म को ले सकते हैं, और 25/10/2018 को शाम 5 बजे तक इसको क्या है फिलअप करके वहाँ जमा करा सकते हैं। आपके लिए जो क्वालिफिकेशन होने वाली थी वो उनका सारा जिक्र हमने पहले कर लिया है। तो दोस्तों ये सिर्फ जो हरियाणा कर्मचारी हैं उनको डराने के लिए ये काम किया गया है, ना कि आपको जो है परमानेंट नौकरी दी जा रही है, ठीक है, तो ये सिर्फ 3 महीने के लिए है, और अगर कुछ आगे समस्या आ जाती है तो आपकी अवधि बढ़ाई जा सकती है, या फिर पहले भी आपको वहाँ से छुट्टी दी जा सकती है, ठीक है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और लाइक करने के बाद आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।